अभी घुमासान मुकाबला मैदान नंबर दो पर होना है और अभी भी मैच चल रहा था पाकिस्तानी वर्सेस भुवान के बीच दो अंक से भुवान दी जा रहा है। बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई। इसके पश्चात तत्काल मैदान पर उतरने जाना भारवी खिलाड़ी गुलाब वर्सेस स्टूडेंट क्लब अकलवाला और महामुकाबला मैदान नंबर एक पर जिस तरह से त्रिवेणी को हार का सामना हुआ है अकलवारा के बीच वही मैदान नंबर दो पर फिर से अकलवारा वर्सेस त्रिवेणी के मध्यम मैच होगा जो काफी महामुकाबला कहा जा सकता है। एक हार को दूसरे जीत के बदलने के लिए अपनी रणनीति बनाएंगे त्रिवेणी के प्लेयर। काफी जमे हुए खिलाड़ी हैं। जय मां भारती क्रिकेट वर्सेस अकलवारा। निर्णायक यथावत रहेंगे, समय पर भी यथावत रहेंगे। और हमारे बीच में ऐसे पूर्व दिग्गज खिलाड़ी भी उपस्थित हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हमारे सरपंच मामा जी क्रिकेटी की ओर से। पहले बहुत कबड्डी खेला करते थे, उन्होंने मुझे बताया था एक समय जब वो कबड्डी खेल रहे थे तो उनका दोनों हाथ फ्रैक्चर हुआ था। काफी जमे हुए खिलाड़ी थे अपने जमाने के, अभी भी खेलते हैं और वहां के खिलाड़ियों को अपना अनुभव साझा करते हैं एक कोच के रूप में। और जानने से भी हमारे बीच में सपन महाराज जी पूर्व में वे भी जबरदस्त कबड्डी के प्लेयर थे और अच्छे कबड्डी के भावना की तरह कई मैच विनर जानने की तरफ से उन्होंने खेले हैं। तो भर सिंह दीवान जी और हाँ जय मां भैरवी क्रिकेट वर्सेस स्टूडेंट क्लब अकलवारा, आपसे निवेदन प्रार्थना भी है आप तत्काल मैदान पर उतरे। धन्यवाद हरीश भाई। और कबड्डी की आप बात कर रहे थे तो कबड्डी तो पूरी अड्डी के तीनों पर्व दस दस में भरी हुई है क्योंकि अभी इस साल का आपके मैं विभाग का बढ़िया बता रहा हूँ। चार बालक और चार बालिका का जिला स्तरीय में चयन हुआ था, राज्य में गेम खेल करके आए। चार बालिका और तीन बालक का जो है संभाग स्तर ब्रोंज मेडल में चयन हुआ है, ये बहुत बड़ी बात है खिलाड़ी के लिए। बहुत बड़ी बात है और ऐसे खिलाड़ी बिल्कुल यहाँ से निकलते रहते हैं। गुलाब नागेश जी मंच पर अपनी उपस्थिति प्रदान करेंगे, मैच से मुलाकात करेंगे मैदान पर। गुलाब सिंह नागेश भैया जिस तरह से बता रहे थे बहुत खुशी की बात है गुरु जी के लिए कि संभाग स्तर पर यहाँ के छोटे छोटे बच्चे खेलने के लिए जा रहे हैं और यहाँ के पूर्व व्यवस्था है कबड्डी कबड्डी यहाँ के आन बान सा कबड्डी खुरारी ग्राम पंचायत की पहचान भैया। बहुत सुंदर बात हरीश भाई, यहाँ के बुजुर्ग लोग भी कबड्डी खेलते हैं। अभी पुराने की मिलावट करने की टीम यहाँ पर कबड्डी खेली है। जी जी मैंने देखा है, अभी बहुत अच्छा खेल का प्रदर्शन हमारे दादा जी रामचंद्र नागेश जी के द्वारा जिस तरह से रेड कर रहे थे काफी उछल कूद के साथ। पहले भी मैंने कई मैदान पर उनका मैच देखा था। और यह एक चैलेंजिंग है।
पीछे कमलेश नौ नंबर की जर्सी पर अपने टीम के लिए और अपने लिए रेड करने के लिए विपक्षी मैदान पर जी हाँ एक तरफ सकलवारा और मैच फिनिंग रेड डालते हैं अपनी टीम के होते हैं चलिए चार नंबर के खिलाड़ी अपने और अपनी टीम के लिए कुछ कर गुजरने का तैयार फिर के नौ नंबर पता नहीं हो सके लोना ये पत्र में लोना है काफी काम सुधार से मैं इस गाने को चलते हुए अंतर ध्यान देंगे मैदान में लेकर तत्काल मैं प्रारंभ कराएंगे क्योंकि समय बहुत कम है और मैच बहुत ज्यादा हरी अच्छा रेट अपने टीम के लिए दो नंबर के खिलाड़ी और बैरन वापस आगे तीन प्लेयर सुपर रेट की दरकार जबरदस्त यहाँ पर देखने को मिल रहा है छह नंबर के खिलाड़ी द्वारा चार कदम जिस तरह से बनाए हुए हैं जिस तरह से थकाए हुए हैं खिलाड़ी को अपने उपस्थित खिलाड़ी को लग रहा है बिल्कुल तीनों को उठा के ले जाएंगे और भैरव वापस आते हुए चार नंबर के लोहा दिन से फिर से और ये जबरदस्त क्या कहना है आपके लाजवाब एक पॉइंट बाउंड्री से बाहर फेंकते हैं छह नंबर के फिर से जिस तरह से खेल रहा है चंदेश्वर डोंगरी परा आप जहाँ कहीं भी हो मंच पे आएंगे चंदेश्वर डोंगरी परा आप जहाँ कहीं भी हो मंच पर तुरंत आएंगे चंदेश्वर पटरी के मैदान पर और अभी अभी एक को बाहर फेंका गया था पटरी के ऊपर अपने लिए और बीटिंग के लिए लोहारी काफी मजबूती के साथ रेड किया और अपनी टीम को एक मजबूत दिशा की ओर ले जाने के लिए तत्पर लोहारी के दो नंबर खिलाड़ी छह नंबर जर्सी पर बढ़ गई है आयोजक समिति के जितने भी सदस्य हैं आयोजक समिति के जितने भी सदस्य हैं मंच पर आएंगे निवेदन सभी सदस्यों से पठारी के खिलाड़ी छह नंबर के लिए रेड डालने के लिए पहुंचे हुए लोहार डी के मैदान पर हल्की सी हलचल करते हुए कबट कबट की हल्की सी आवाज महकाने का सौंपते हुई लोहार डी के मैदान पर अभी जिस तरह से नुकसान झेला है उसके लगता है थोड़ा सफल कर ही करेंगे थोड़ा सुंदर करेंगे मामूली सी बढ़ा पांच और छह स्वयं पर ध्यान देंगे पांच और छह समझौता सात नंबर की जगह पटारी के मैदान पर तीन ट्रेन मौजूद पटारी के मैदान पर बिल्कुल टाइम पास करते हुए टाइम पास नहीं करना है क्योंकि केवल मात्र और एम्पायर अभी तक निराशा नहीं हुआ बहुत ही जबरदस्त अकेला दो नंबर की जर्सी ने पकड़ा है पथारी के खिलाड़ी को मैदान के बाहर बैठना पड़ेगा सात नंबर की जर्सी पहने हुए पथारी के मैदान पर दो खिलाड़ी मौजूद और बिल्कुल दो अंक बढ़ा चुकी है पांच समय बिल्कुल निकलता हुआ
कुछ अकलवाड़ा के टीम उतर चुके हैं। जय मां भैरवी। कबड्डी दल खुड़िया की गुलाब लागे, आप जहां कहीं भी हो आते हुए मैदान में उपस्थित होने का कष्ट करेंगे, क्योंकि आपके सभी उतर चुके हैं मैदान में, तो आपकी हमारी आए। के बाद समय बढ़ता हुआ अठारहवीं के खिलाड़ी लोहाड़ी के मैदान पर पांच खिलाड़ी मौजूद, उसके ग्रुप ने कुल मैदान खोल दिए हैं। और नहीं बताएगा क्या होता है, लेकिन बहुत सुंदर तरीके से ये